नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेपर। आज की इस वीडियो में हम TDS और TCS के रिटर्न को भरना सीखेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू बिना किसी सॉफ्टवेयर के। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप TDS और TCS रिटर्न दोनों फाइल कर सकते हैं। इस ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप 24Q, 26Q, 27Q और 27E की चारों फॉर्म जो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। साथ ही में अगर किसी को रिटर्न रिवाइज भी कर रही है तो रिवाइज भी इस ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको जो डायरेक्ट है NHL की साइट पे आ जाना है। इस साइट का लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से आ सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर साइट ने मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपको 10 NHL लिख देना है। यहाँ पर पहली साइट आपकी 10 NHL की, इसको क्लिक कर देना है। आपको इसे कंटिन्यू पे क्लिक करें, फिर एस्केप करके इसे हटा सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है डाउनलोड्स के अंदर। आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर ले जाना है कर्सर, डाउनलोड्स पे जाना है, ETDS पे जाना है, उसके बाद क्वार्टर रिटर्न्स पे जाना है, फिर रेगुलर पे आपको क्लिक करना है। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिखेगा ETDS ETCS RPU, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से एक बार और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये आपको डाउनलोड RPU वर्जन 4.6, ये हर बार जो है लेटेस्ट वर्जन आता रहता है। आपको जो फाइल करनी है, जो TDS और TCS रिटर्न फाइल करनी है, लेटेस्ट वर्जन में आपको फाइल करनी है। तो आपको यहाँ से ऐसे डाउन इस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक ट्यूटोरियल है, आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो यहाँ से आप इसके बारे में डाउनलोड करके इसके बारे में देख भी सकते हैं। तो आपको इसके क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास ये जिप फॉर्म में आ जाएगा। इसे आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए इसे आप राइट क्लिक करेंगे, आपको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर देना है। ये आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसे आप ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए खास बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। जब इसे ओपन करेंगे इसके लिए आपके लिए पास जावा वर्जन होना जरूरी है। जो जावा इसके अंदर अपडेट होना चाहिए, जो उसमें जावा लगता है इसके अंदर, वो जावा जो आपका अपडेट यहाँ पे होना चाहिए, उसके बिना ही ओपन नहीं होगी आपकी फाइल। इसमें से जो आपको ओपन करनी है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, ये देखिए आप पर TDS RPU 4.6 जो आपका वर्जन है यहाँ पे देखिए इसके भी सबसे ज़्यादा हाई होगी। जो आपको डाउन यहाँ पे ओपन करनी है कौन सी, TDS RPU 4.6, आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपल आपको ओके प्रेस करना है, ये आपकी फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। फॉर्म नंबर आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्म नंबर कौन सा होगा आपका, 24Q कौन सा होता है आपका सैलरी का होता है, 26Q होता है आपका अदर देन सैलरी, 27Q ये NRI फॉरनर के लिए होता है, 27EQ जो होता है अपने TCS के लिए होता है। जो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप TCS रिटर्न फाइल कर रहे हो 27EQ सेलेक्ट करना है, सैलरी कर रहे हैं 24Q और अदर देन सैलरी तो 26Q। अब हम अभी बात करेंगे TDS रिटर्न की, 26Q मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है अदर देन सैलरी। अब बात यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करते हैं, अगर कोई करेक्शन है, कोई रिवाइज कर रहे हो तो करेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल अपनी फाइल कर रहे हो तो आपको रेगुलर पे क्लिक करना है और क्लिक टू कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपके पास डिटेल आती है फॉर्म, आपको पूरा फॉर्म जो इसमें फिल करना है, बेसिक डिटेल डालनी है कोई इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल ईयर फाइल कर रहे हैं हम, 23-24 के लिए फाइल कर रहे हैं। तो उसके बाद सबसे बाद आपको जो है क्वार्टर सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वार्टर हम फर्स्ट क्वार्टर की फाइल कर रिटर्न। तो इसके बाद आपको क्या करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर में यहाँ पे आ चुका है। टाइप ऑफ डिडक्टर, यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर आपको सेलेक्ट करना है कि वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, HUF है, जो भी है जिसके लिए आप TDS रिटर्न भर रहे हो यहाँ पे, वो कौन है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना है। हम इंडिविजुअल की अपनी जो फाइल कर रहे हैं, हमारा जो आइडेंटिटी वो एज ए इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी कंपनी तो उस केस में हम कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपको सिंपल अपना 10 नंबर डालना है, जो भी आपके यहाँ पे कंपनी का 10 नंबर है आपको 10 नंबर डालना है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कंपनी का पैन नंबर है वो आपको पैन नंबर डालना है। पर इंडिविजुअल केस में हमारा पैन नंबर एक ही होगा क्योंकि हमारे इसी नाम से बनी हुई कंपनी, तो हमारा पैन नंबर यहाँ पे भी सेम होगा। और जो नीचे यहाँ पे डिटेल डालेंगे, यहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, यहाँ पे मेरा पैन नंबर सेम होगा। अगर यहाँ पर मेरा कंपनी होता तो कंपनी केस में पैन नंबर मेरा अलग होता, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको फाइल कर रहा है, साइन कर रहा है इसको, उसका पैन नंबर अलग होता। जैसे डायरेक्टर उसको साइन कर रहा है तो उस केस में डायरेक्टर यहाँ पे पैन आता है। इंडिविजुअल केस में दोनों पैन नंबर सेम है तो दोनों मेरा पैन नंबर सेम आ जाएगा। तो पहले 10 नंबर डाल लेना है आपको, उसके बाद आपको जो है पैन नंबर यहाँ पे डाल लेना है।
उसके बाद आपको नेम डालना है यहाँ पर, अगर कंपनी है तो पूरा कंपनी का नाम डाल लीजिएगा, वैसे इंडिविजुअल अपना सिंगल नेम आप अपना डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ब्रांच डालनी है, आपके ब्रांच है तो डाल लीजिएगा, फिर नहीं सिंपल एन ए नोट अप्लीकेबल करके आप डाल सकते हैं। जो आपको यहाँ पे देखिए स्टार मार्क है वो आपको सारे आपको पे फिल कर रहे हैं, फ्लैट नंबर जो आपका एड्रेस है कंपनी का, जहाँ पे एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अपना, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको एड्रेस चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर ऑप्शन देना है सिंपल आप इसे नो कर दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी स्टार मार्क आपको इसमें पूरा आपको पूरा फिल यहाँ पे करना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, जो पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको साइन करेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ पे प्रोपराइटर हमारे केस में तो प्रोपराइटर लिख देंगे, यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा, उसका फ्लैट नंबर अगर आपका एड्रेस सेम है तो इस केस में दोनों का, तो इस पे सेम पे क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेम ऊपर से उठा लेगा। सेट यहाँ पे डाल देना है आपको, यहाँ पे मेल आईडी आपको डालनी जरूरी है, ऊपर आपको मेल आईडी यहाँ पे जरूरी नहीं थी, यहाँ पे नीचे मेल आईडी डालनी जरूरी है, लेकिन स्टार मार्क नहीं है फिर भी आपको मेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपकी डिटेल आती है, यहाँ पे एड्रेस चेंज हुआ है आपका यस और नो आपको ऑप्शन देना है, अगर आपकी पहले कोई फाइल हुई 26 की हुई है फॉर्म तो इसको यस कर देना और यहाँ आपको जो रिसिप्ट नंबर डाल देना, अगर आपकी पहली बार फाइल कर रहे हैं तो इस केस में आप जो सिंपल आप इसको नो कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 26 के जो नंबर यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा। पूरा फॉर्म आपको जो फिल करने के बाद आपको सिंपल चलान वाली डिटेल यहाँ ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाना है। मैंने अपनी जो फॉर्म की डिटेल पूरी भर ली है, उसके बाद डालते हैं हम चलान डिटेल। आपको जितने आपने चलान पे किए हैं उसके अंदर उतने आपको चलान यहाँ पर ऐड करने हैं, ऐड रो पे क्लिक करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने चार चलान पे किए हैं तो आप चार जो रो उसमें आप ऐड करेंगे, जैसे आपने एक चलान पे 5 डिडक्टी ऐड करें, फिर 10 डिडक्टी ऐड करें, या फिर 1 डिडक्टी ऐड किया है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे चलान ऐड करने हैं। उसके बाद अगले कॉलम में आपको यहाँ पर डिडक्टी यहाँ पे ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चलान पे किया है, यहाँ पे चलान की डिटेल डाल देनी है आपको, टीडीएस का अमाउंट कितना आपको यहाँ पे अपने चालान जो आपने पे किया होगा उसके अंदर बाइफरकेशन पूरी आ जाती है। ये देखिए इस तरीके से जो आपकी टीडीएस की डिटेल, आपने टैक्स पे किया होगा कितना टैक्स आपका कितना इंटरेस्ट है, इसमें इस तरीके से बाइफरकेशन आ जाती है। अगर 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 नहीं भी आते तो आपको कैलकुलेशन एक्सेल में अलग से बना के रखनी है तो वहाँ पे आपको फिल करनी है। तो आपका टीडीएस का अमाउंट कितना है, 16522 का यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट है, यहाँ पे 16522 हम डाल देंगे, 16522। आप सरचार्ज आपका जीरो है, एजुकेशन चार्ज जीरो है, इंटरेस्ट आपका कितना था, यहाँ पे 400 रुपये था, आपका टोटल कितना देगा, 16922 का यहाँ पे देखिए टोटल हमारा मैच हो चुका है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे बीएसआर कोड डालना है, जो बीएसआर कोड है आपने जो पे किया यहाँ पे चलान उस पर बीएसआर कोड आता है, ये आप देख सकते हैं आपका बीएसआर कोड आ रहा है 63614, यहाँ पे बीएसआर कोड डाल दिया है। आपको डेट डालनी है, जिस डेट को आपने चालान डिपॉजिट किया था वहाँ पे डेट डालनी है, चालान डेट आपकी 28 जुलाई 2023 की है तो आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है आपको 28/7/2023, यहाँ पे आपने डेट डाल दी है। उसके बाद आपको चालान सीरियल नंबर डालना है, आपका चालान सीरियल नंबर कितना है आपके देखिए 136000 है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस केस में क्या है, आपको टीडीएस की रिटर्न आपको भरनी बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगी, फिर आपको दोबारा किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक देखना है, नहीं तो कोई भी स्टेप है मिस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फिर भी दिक्कत आ सकती है, फिर दोबारा आपको वीडियो पे देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है सब। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका चालान का माइनर राइट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको नॉर्मल यहाँ पे 200 सेलेक्ट करना है, ये आपके चालान पे भी होता है, मैं आपको चालान पे दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं देखिए माइनर राइट यहाँ पे 200 आपका सिलेक्ट है, आपको यहाँ पे 200 सेलेक्ट कर लेना है। आपको चलान ऐड करने के बाद बारी आती है आपकी एनेक्सर की। अगर आपने जितने भी चलान ऐड किए हैं, मान लो 5 चलान पे किए हैं उस क्वार्टर के अंदर, तो आपको पूरे चलान ऐड करने हैं, उन चलान पे आपको डिडक्टी ऐड करना है। हमें हमने सिंपल एक चलान पे जो डिडक्टी ऐड किए हुए हैं, 4 डिडक्टी हमने ऐड किए हैं, तो मैंने सिंपल एक चलान यहाँ पे ऐड कर लिया, जो चीज़ चलान मैंने पे किया। उसके बाद एनेक्सर आते हैं डिडक्टी डिटेल्स के अंदर, अब आपने यहाँ पे इंसर्ट रो करनी, एक चलान पे जो आपने कितने डिडक्टी पे किए, फॉर एग्जाम्पल एक ही पे आपने 10 किए हैं, जो आपने टैक्स पे किया है 16000 रुपये का, आपने मान लो 10 बंदों में डिवाइड किया हुआ है, 1-1000, 2-2000, इस तरीके से आपने डिडक्टी यहाँ पे ऐड किए हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है, मैंने एक पे ही पूरा पे किया हुआ, तो मैं एक को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मैं मेरा एक ही डिडक्टी है तो एक ऐड कर लेंगे, अगर दो है तो दो डाल के आपके दो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन की, आपने किस सेक्शन के अंदर काटा हुआ है, चालान के ऊपर आपका लिखा हुआ आता है 94C, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चालान पे भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट आ रहा है 94C, यहाँ पर मेरा आ रहा है चालान के ऊपर पेमेंट आ रही है। आपको सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, किस सेक्शन में आपने जो टीडीएस काटा है, यहाँ पे देख सकते हैं 94C आ रहा है, आप इस पे कर्सर को थोड़ी देर रखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो 94C होता है किसका होता है, 94C कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पर होता है। इसके अंदर जो आपका टीडीएस कटता है वो 1% कटता है इंडिविजुअल एचएफ का, और अदर देन इंडिविजुअल एचएफ उस केस में आपको जो कटता है टीडीएस कटता है 2% यहाँ पे आपका टीडीएस कटता है। आपको सिंपल जो है आपको पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है, जिस भी डिडक्टी का आपने यहाँ पे टीडीएस काटा है उसका पैन नंबर डालना है, उसके बाद डिडक्टी का आपको यहाँ पे नाम डालना है, फिर उसके बाद आपको पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट
किस डेट को जो आपने आपने टीडीएस काटा है वो डैपकोट काटने, फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल का काटना है तो आप लास्ट डेट डाल दीजिएगा 30 अप्रैल 2023। अगर आपने मई में काटा तो मई में काट दीजिएगा लास्ट डेट कहाँ पर। वैसे टीडीएस के अंदर जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर या फिर बिल रेज हुआ जिस डेट को, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उस डेट पे आपको काटना यहाँ पर बनता है। अगर आप अगर आगे भी आप एक ऑप्शन आता है आपको डेट डालने का यहाँ पर किस डेट में आपने काटा, तो दोनों डेट आपको यहाँ पे सेम रखनी है। अगर डेट अलग करेंगे तो उस केस में आपका एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले जिस मंथ में आपने काटा अप्रैल मई जून, तो उसकी आपको लास्ट डेट यहाँ पे डाल देनी है। अमाउंट पेड, आपने कितने अमाउंट पे काटा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हमने 1 लाख रुपये पे हमने 1,000 रुपये टीडीएस काटा 1%, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देने, जितनी अमाउंट होगी आपकी तो अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद आपको टीडीएस डालना पे कितना आपने उसका टीडीएस जमा कराया है। फिर उसके बाद सरचार्ज एजुकेशन चार्ज, अगर कोई नहीं है तो 0 0 डाल देना है। टोटल टैक्स डिपॉजिट, उसके बाद कितना टैक्स डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर डेट ऑफ डिडक्शन, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे डेट डाली थी 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को हमने उसका टीडीएस काट लिया, सेम डेट यहाँ पे आपको रख देनी है। आपको मैं पूरी डिटेल दोबारा फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपका पैन नंबर डाल देंगे, पैन नंबर डालने के बाद डिडक्टिव नेम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट डालनी है, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट डाल देता हूँ, जैसे 30 अप्रैल को मैंने यहाँ पे डेट है मेरी 30 अप्रैल, मैंने डेट यहाँ पे डाल दिया। अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पेड किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 16 लाख रुपये पे किया है, 16 लाख रुपये पे किया, उस पर मैंने टीडीएस उसका 16,000 रुपये पे काटा है, 1% 16,000 हो गया। इंडिविजुअल है मेरे केस में तो 1% मैं काटूंगा। सरचार्ज मैंने 0 यहाँ पर, एजुकेशन चार्ज मेरा 0 है, टैक्स डिपॉजिट मेरा आ गया 16,000 रुपये आ गया यहाँ पर। डेट ऑफ डिडक्शन, जो आपकी डेट ऑफ डिडक्शन में डाल दें यहाँ पे, सिंपल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जो कॉपी पेस्ट होता है आपका कॉलम वाइज होता है, इसके अंदर रो वाइज नहीं होता है, तो ऐसे मैंने कॉपी कर लिया है। डेट ऑफ डिडक्शन का यहाँ पर मैं पेस्ट यहाँ पे कर दूंगा, सेम डेट आपको रखनी है आपको दोनों में। इस ऑप्शन को आपको सिंपल ऐसे ही रहने देना है। ये ऑप्शन उनके लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट को, जैसे आप फ्लिपकार्ट को सेल करते हैं, वो आपको टीडीएस जो लोअर रेट पे काटने के लिए बोलते हैं, वो आपको अलग से सर्टिफिकेट देगा। कोई टीडीएस आपको लोअर रेट पे काटने नहीं देता है, तो किसके अंदर ए बी सी यहाँ पे आपको सेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा इस तरीके से है, जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके वो डाल देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पे डालना है, ये आपका डिडक्टिव खुद ही उठा लेगा, ये अदर देन कंपनी है, फिर कंपनी है तो कंपनी होता तो उस केस में बना रहता है, अदर देन कंपनी तो टू अपने आप ही उठा लिया है। रेट किस रेट पे आप जो अपने टीडीएस काटा आपको रेट डाल देना, सिंपल यहाँ पे मैंने 1% पे काटा तो 1 में यहाँ पे डाल दूंगा, बाकी कॉलम्स को जो आपको यहाँ पे खाली रहने देना है। तो सिंपल सबसे पहले आपको करना फॉर्म भरना था पूरा, उसके बाद जितने अपने चालान पे किए थे चालान आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, उस चालान पे कितने डिडक्टिव हैं आपके वे डिडक्टिव आपको ऐड कर देना है। जो जो मैंने कॉलम्स बोले आपको भरने के लिए सिर्फ वही भरना, उससे आपको अलग ज्यादा कुछ नहीं भरना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी जो पे सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी है। सीएसआई फाइल कहाँ से डाउनलोड होती है, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है 10 नंबर से, आपको पैन नंबर से लॉगिन नहीं करना है, आपने 10 नंबर से लॉगिन करना है, जो आपका टीडीएस का 10 नंबर है उसको आपको उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे ई फाइल में, ई पे टैक्स के अंदर आएंगे, ई पे टैक्स के अंदर आती है आपको एक आपको लास्ट में ऑप्शन दिखेगा चलान स्टेटस इंक्वायरी सीएसआई फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जिस डेट को चलान पे किया उससे पहले की डेट, यानी कि अपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो चलान पे किए होंगे 1 अप्रैल से पे किए होंगे, तो आपको सेलेक्ट कर लेने डेट यहाँ से, आप 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे मैं 1 अप्रैल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको अब तक की डेट यानी कि आज तक की डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको डाउनलोड चालान फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपके पास एक सीएसआई फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से आपके पास जो सीएसआई फाइल आ जाएगी उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास यहाँ पे रख लेना है। अब आपको सिंपल जो है क्रिएट फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, या आपके पास क्रिएट फाइल दिख रहा है इसे आप क्लिक करना है। अगर इसे सिंपल आप सेव भी कर सकते हैं जो आपको सेव करना चाहते हैं, अगर आपको फ्यूचर में कभी आपको खोलनी है आपने क्या क्या डिटेल भरी थी आप यहाँ से सेव करके जो आपके पास, उसको आप दोबारा से ओपन भी आप करा सकते हैं। अब सिंपल आप क्रिएट फाइल पे हम क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन आपको यहाँ पे अपनी सी एस आई फाइल जो आपने लगाई है आपको सी एस आई फाइल लगानी है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं आपको वहाँ पे सेव करना है, देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है चूज अ सिन फाइल फॉर अ वैलिडेशन, आपको यहाँ पे सी एस आई फाइल लगानी है, आपको इसको आप पे क्लिक करना है। आपके कहाँ पर आपने रखा हुआ है, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे आपने रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे हम क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, टीडीएस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ये देखिए सी एस आई फाइल आ रही है, मैं इसे डबल क्लिक कर यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। और मेरे को कहाँ पे सेव करना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे ले जाएंगे, टीडीएस के फोल्डर में यहाँ पे ले जाऊंगा मैं, उस यहाँ पे सेव पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये दोनों फाइल अटैच करने के बाद आपको सिंपल जो है वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वैलिड है, अब अगर आपकी हो जाती है तो सक्सेसफुल का आपके पास इस तरीके से मैसेज आएगा। अब अगर आपका पास कोई एरर आ रहा है तो आपको एरर वहाँ पे बता देगा, उस आपको एरर को ठीक करने के बाद आप उसे दोबारा वैलिड यहाँ पे कर सकते हैं, आप इसे ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है,
सिंपल, दोबारा आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको ऑफलाइन फाइल करनी है किसी भी TNSSL के सेंटर पे जाके, जो ऑफलाइन आपको फाइल करें, तो इस केस में क्या करना है, आपको सिंपल जो 27 ये फॉर्म है, 27 है, आपको सिंपल 27 का प्रिंट निकाल के साइन करके आपको, और यहाँ पे आपको जिप फाइल देनी है किसकी, FV फाइल की। FV फाइल आपको यहाँ पे दो दिख रही होंगी, लेकिन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे फाइल ये वाला होगा। इससे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इसको जिप फाइल पे क्लिक करना है। एड टू आर्काइव पे क्लिक करने के बाद जिप फाइल पे क्लिक कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे। अगर आपको TNSSL के साइट पे देना है तो वहाँ पे आप सिर्फ को सिंपल जिप फाइल और ये फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन अपलोड करने, ऑनलाइन अपलोड कैसे करते हैं। ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको जिप फाइल चाहिएगी। अब हम डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, लॉगिन कर लेना है आपको 10 नंबर से। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म में, जाना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपको सबसे नीचे आ जाना है, आप स्क्रॉल डाउन करके आपको आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको आपको यहाँ नीचे आएंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे TDS का फॉर्म में आपको दिख जाएगा 24Q6 27EQ 27Q, आपको फाइल नाम पे आप क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका पे सेलेक्ट करना है, फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपको कौन सा फॉर्म जो अपने फाइल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा आपका, या अदर देन सैलरी 26Q, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 27EQ TCS का होता है, हम अदर देन सैलरी कर रहे हैं तो 26Q यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं। हम अपन जो फाइल कर रहे हैं 23-24 का हम फाइल कर रहे हैं, 23-24 सेलेक्ट कर लेना है। क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर फर्स्ट है हमारा, रेगुलर कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रेगुलर पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अटैच फाइल करनी है, कौन सी जिप फाइल यहाँ पे अटैच करनी है, जो मैंने आपको FV फाइल जो आपको जिप करके बताई थी वहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, यहाँ पे अटैच यहाँ पे कर देनी है। अटैच करने के बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आप डिजिटल सिग्नेचर या फिर आधार वेरीफिकेशन से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हमारे पास ITR की एक्नोलमेंट आती है, ठीक इसी तरीके से इसकी भी एक्नोलमेंट आएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आप आपका कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर किसी को TDS या फिर TCS की रिटर्न फाइल करवानी है, हम अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किसी को TDS या फिर TCS की रिटर्न फाइल करवानी है, इनकम टैक्स की या फिर GST से रिलेटेड कोई भी हमें काम करवाना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।